दोस्तों कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, लेकिन आपका इंस्टाग्राम पर आप जैसे मैसेज बॉक्स को ओपन करते हो तो गाइस कुछ टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम्स होता है, और गाइस या तो गाइस कोई भी आईडी या तो मैसेज इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं देता है, कुछ तरह यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो गाइस आपके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे 2-3 दिन हो गया, तो गाइस चुटकियों में बताऊंगा इसको कैसे फिक्स करना है। तो गाइस आज का वीडियो आपको देखते रहना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करना है। और गाइस हां, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो मेरा नाम वॉइस करते हैं, फ्रंट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और गाइस जानते हैं कि ये जो भी इंस्टाग्राम का मैसेज पर प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स आउट करना है। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मेरा मैसेज जैसे कि आता है नहीं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा काफी ज़्यादा लाइक शेयर हुआ है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर वो प्रॉब्लम आया था, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने उस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर लिया हूँ। यहाँ पर मैसेज इधर उधर जो भी बंदा ने मैसेज किया यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस कैसे मैंने ठीक किया इस प्रॉब्लम को, जैसे कैसे फिक्स आउट किया आज का वीडियो बताऊंगा। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है उसको क्लोज करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है फ्लाइट मोड, जैसे कि अपना जो भी नोटिफिकेशन बार है वहाँ पर जाना है। और गाइस वहाँ पर अपना फ्लाइट मोड मिलेगा, उसको एक बार ऑन कर देना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से गाइस ऑफ कर देना है। और गाइस उसके साथ ध्यान रहे, यहाँ पर आपका जो भी डाटा है, या तो गाइस आप वाईफाई यूज करते हो तो गाइस कनेक्ट होना चाहिए, या तो गाइस अपना मोबाइल डाटा यूज करते हो तो गाइस अपना मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले स्टोर में जाना है। जैसे आप अपना प्ले स्टोर में जाते हो, जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। और गाइस यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अपडेट, जैसे कि अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो गाइस आपको अपडेट करना है, या तो गाइस वहाँ पर अपडेट शो नहीं हो रहा है तो गाइस आपको छोड़ देना है। तो गाइस क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पर, जैसे यहाँ पर मैं सेटिंग पर जाता हूँ। जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐप्स नहीं मिलता है तो गाइस आप ऊपर सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बीच में ऐप्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके फोन पर जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है इंस्टाग्राम, तो गाइस आप ऊपर सर्च कर सकते हो, या तो गाइस आपको यहाँ पर बीच में इंस्टाग्राम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम मिल चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप स्टोरेज के ऊपर क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस कर देना है, आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लियर कैचेस कर दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है सारा को क्लोज कर देना है। फिर से गाइस अपना इंस्टाग्राम को ओपन करना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से गाइस यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ तो गाइस यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगा। फिर भी गाइस वहाँ पर आपको वही प्रॉब्लम शो होता है तो गाइस आपको क्या करना है, साइड का जो भी पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीस्टार्ट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा और गाइस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे इंस्टाग्राम के यहाँ पर मैसेज पर आते हो तो गाइस आपको यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई देगा। तो गाइस वही ट्रिक आपको फॉलो करना है तो गाइस आपका यह प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगा।